हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोहन है और चलिए देखते हैं कल मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो सकता है और कौन से लेवल हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये चार्ट डेली का है। दोस्तों, कल है वीकली एक्सपायरी। मैंने आप लोगों को एक वीकली एक्सपायरी का ट्रेड दिया है, अभी उसके ऊपर डिटेल बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट मुझे साइडवेज क्लोजिंग कल लग रहा है। ओके, अभी तक का एजम्पशन ऐसा है कि मार्केट कल फ्लैट ओपन हो सकता है, ज़्यादा गैप अप या ज़्यादा गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग देखें, जैसे हम लोग अभी अक्सर बात कर रहे थे कि इस भाव तक इसका मिनिमम रिट्रेसमेंट आना चाहिए, और ये भाव क्या था कि लोअर साइड में 38,000 और 37,900। आज प्राइस इसी भाव के आसपास से रिवर्स किया है, 100 पॉइंट और भी नीचे गिरा, 37,800 का भी भाव देखने को मिला अपने को, लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छे जगह में जाके क्लोज किया है रिकवरी देने के बाद, और 38,050 के आसपास इसका क्लोजिंग आया है। तो 38,000 एक राउंड फिगर लेवल भी था, कल भी हम लोग बात किए थे कि मार्केट इस लेवल को सपोर्ट लेगा। मॉर्निंग में ही अगर नीचे जाता है तो ज़्यादा गिर नहीं पाएगा, क्योंकि RSI में 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो ओवरसोल्ड ऑलरेडी लास्ट डे ही हो चुका था, तो ज़्यादा गिरने का जगह इसका था नहीं। अभी हम लोग इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे, लेकिन मैंने आप लोगों को एक्सपायरी स्पेशल के नाम पर ट्रेड दिया है। अगर आप लोगों ने पोजिशन बनाया होगा तो मैंने पोजिशन बनाया है, क्वान्टिटी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन इसका लॉजिक क्या है कि ATM अक्सर मैं इसे बना के जाता हूँ जब मार्केट मुझे फ्लैट ओपन होते हुए नज़र आता है नेक्स्ट डे तक, ठीक है। ऐसा हमारा एजम्पशन है, हो सकता है कि मार्केट बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाए, मतलब 500-600 पॉइंट ऊपर नीचे होगा तभी एक थोड़ा लॉस हो सकता है, अदरवाइज 200-250 पॉइंट के आसपास अगर गैप अप गैप डाउन होता ओपन होता है तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, राइट। आज मॉर्निंग में मैंने ट्रेड बनाया था स्ट्रेटर, लेकिन ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिला नहीं। ओके, तो अल्टीमेट ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाए अपन मॉर्निंग में, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से नीचे आया था, हम लोग एक पुट शॉर्ट किए थे तो उसमें थोड़ा प्रॉफिट मिला था, लेकिन इसके बाद दिन में कोई ज़्यादा प्रॉफिट मिला नहीं इस पर। ओके, हाँ, जाते जाते मैंने पोजीशन बनाया है कल के लिए, तो ये जो पोजीशन बनाया है, पोजीशन में ऑलरेडी मुझे 5-6 हज़ार रुपये आसपास प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, ATM कॉल पुट को बाई करते हैं। क्या ATM कॉल ATM पुट को बाई करते हैं, एक एक लॉट, ठीक है, ये रेशियो स्प्रीड है, एक एक लॉट बाई करते हैं, और उसके सामने आप 3 दिन सेल कर सकते हो। कितना? मिनिमम 3 दिन सेल कर सकते हो, कई बार हम 4-4 सेल कर देते हैं, ठीक है, 4-4 सेल कर देते हैं, और कई बार हम 5-5 लॉट भी सेल कर देते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपने लॉजिक के हिसाब से। तो ATM कॉल को बाई करते हैं और OTM कॉल को क्या है, 3 के रेशियो में या 4 के रेशियो में या फिर 5 के रेशियो में सेल कर दीजिए। मैं अभी इसमें 5 के रेशियो में सेल कर रहा हूँ, इसमें प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा, राइट, और अगर लॉस होगा तो लॉस भी बड़ा होगा, ये भी ध्यान रखिए। तो इसका सिंपल लॉजिक होता है कि एक आप बाई करिए और 3 सेल करिए, मिनिमम ये करना ही पड़ेगा, राइट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अभी मार्केट क्या लग रहा है, मार्केट अगर देखें आप लोग तो बिल्कुल मिड में जाके क्लोज किया है, ओके, और 38,000 राउंड फिगर का लेवल भी दिख रहा है अपने को। अगर हम लोग 5 मिनट के चार्ट में चलें, तो जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि अगर मॉर्निंग में यहाँ से नीचे जाता है तो लोअर साइड में 38,000 का राउंड फिगर लेवल भी है, और ये गिरते समय अगर यहाँ तक रहता तो हम लोग शॉर्ट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि RSI में थोड़ा ऊपर मार्केट कूल डाउन हो चुका होता, RSI कूल डाउन हो चुका होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए मॉर्निंग में जब एक गिरावट आया तो ज़्यादा स्पीड में नहीं गिरा, फिर अगले कैंडल से वापस हो गया। क्यों? क्योंकि 5 मिनट के चार्ट में ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है, तो और कंटिन्यू जाने का जगह है नहीं, इसलिए मैंने बताया था कल की पहले मार्केट अगर ऊपर जाए तो ऊपर से शॉर्ट होगा तो आपको बड़ा गिरावट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि RSI कूल डाउन हो जाएगा, नीचे जाएगा इधर, फिर क्या होगा, जब ये प्राइस में नया लो बनेगा। मैंने आप लोगों को वीडियो शेयर किया है यूट्यूब में, इस वीडियो को देख लीजिए कि हम इंट्राडे में ट्रेड कैसे करते हैं, राइट, बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया है, 84 वीडियोज लर्निंग का मैंने शेयर किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसे देखिए, समझिए, सीखिए। ओके, तो देखिए जैसे क्या हुआ, मॉर्निंग का जो लो था इसे ब्रेक किया, राइट, लेकिन जब ब्रेक किया तो RSI में नया लो तो बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, तो प्राइस यहाँ ज़्यादा गिरेगा नहीं, प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, मेरे पास यहाँ स्ट्रेटल था, मैंने एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए शेयर किया है, माफ कीजिएगा गला मेरा थोड़ा बैठा हुआ है आज। ओके, तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया था स्ट्रेटल, प्रीमियम तो गिर नहीं रहा था, नीचे आया तो मैंने पहले कॉल को निकाला, जब यहाँ से वापस रिटर्न कर रहा था, W पैटर्न बन रहा था, मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि इंडेक्स में, दोनों इंडेक्स में W पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए।
तो फिर मैं पहले कॉल निकाला, इसके बाद ऊपर गया तो मैं पुट निकाला, तो थोड़ा प्रॉफिट में आ गया, बट ज़्यादा प्रॉफिट मिला नहीं, क्योंकि क्वांटिटी में 500 रखता हूँ, तो एज्यूम करता हूँ कि कम से कम अगर 500 क्वांटिटी हम कर रहे हैं तो 40 से 50 हज़ार का प्रॉफिट मिलना चाहिए, राइट। लेकिन आज इतना नहीं मिला, कोई बात नहीं, हर दिन मार्केट आपका एक जैसे नहीं रहेगा। तो अभी दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों ने रेशियो स्पीड बना के गए होंगे तो मॉर्निंग में आपको 4 से 5 हज़ार का प्रॉफिट में आपका टर्मिनल ओपन हो सकता है, राइट। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे खुलता है तो भी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये प्रॉफिट मिलेगा, आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। मैं अपने लड़कों को कराया हूँ और सुबह ही से प्रॉफिट बुकिंग कराऊंगा जल्दी ही, ओके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कल कैसे ट्रेड करेंगे। फ्रेंड देखिए, तो मार्केट एक अपने इंपोर्टेंट लेवल के आसपास जाके क्लोज कर गया, मतलब 38,000 के ऊपर जाके क्लोज कर गया है, ओके, और मतलब सस्टेन भी किया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से एक मूवमेंट हमें अपर साइड में देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बड़ा ट्रेड नहीं होगा, राइट। ये लेवल क्या है, 38,330 के आसपास का, राइट। ये ब्रेकआउट पॉइंट क्या है, 38,150 के आसपास। तो बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ से अपर साइड नहीं है, अगर प्राइस यहाँ ओपन होता है तो ऊपर की तरफ यहाँ तक मूवमेंट कर सकता है। मुझे लगता है इसे अवॉइड ही करना चाहिए ट्रेड करने के लिए, बहुत बड़ा मोमेंट नहीं है, अगर इसी जगह ओपन होकर ऊपर जाता है तो ये अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पर जाके मार्केट रेजिस्टेंस लेगा फिर नीचे आ जाएगा। तो ऊपर से अगर आपको शॉर्ट करने का मौका मिले तो आप शॉर्ट करिए इस भाव के आसपास, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, यहाँ पर अगर 5 मिनट के चार्ट में कोई बेरिश कैंडल दिखता है तो सेम कैंडल का हाई कैसे लगा के शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, और अगेन आपको इस भाव के आसपास, इस भाव के आसपास तक का टारगेट आपको मिल सकता है, ये ट्रेड आपका ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर 38,300 के आसपास शॉर्ट करते हैं तो आपको टारगेट 38,000 का देखने को मिल सकता है, राइट। हमारा अजम्पशन क्या है कि मार्केट फ्लैट खुलेगा, राइट। मार्केट फ्लैट खुलेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, और इसी आसपास में एटलीस्ट 2-3 घंटा मार्केट रहेगा, 12-12:30 के आसपास तक का। इसके बाद कोई ट्रेंगल या ट्रेंड लाइन पैटर्न बनाएगा, फिर ब्रेकआउट देगा, तो ट्रेड आपको बड़ा देके जा सकता है, लेकिन ये 1 बजे के बाद, ओके। तो हम देखेंगे वहां पर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न ऐसा बनेगा, फिर ये ब्रेकडाउन देता है या ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। एक ही ट्रेड है कल बैंक निफ्टी में कि अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास रेशियो स्प्रेड है उसमें हम लोग ट्रेड करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास नहीं है तो क्या करें फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 38,100 का आप स्ट्रगल बना सकते हैं, इसके अलावा कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं है, स्ट्रगल या फिर आप बटरफ्लाई बना सकते हैं। जिन लोग नए ट्रेडर हैं, आप लोग स्ट्रगल या बटरफ्लाई नहीं आता है, आप हमारे चैनल में जाइए, ऑप्शन KBCD पूरा देख लीजिए, आपको लॉजिक मिल जाएगा स्ट्रगल और बटरफ्लाई पोजिशन कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों यह हुआ बैंक निफ्टी का, अब चलते हैं हम लोग निफ्टी में। देखिए निफ्टी कंटिन्यू आ रहा है और निफ्टी एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए, राइट। देखिए इसका मिनिमम रिट्रेसमेंट यहाँ तक होना चाहिए था, हो गया है, अब अभी इसे यहाँ तक जाने दीजिए, राइट। यहाँ पर जाएगा, कोई अच्छा कैंडल बनेगा, फिर यहाँ से रिवर्स होगा और शानदार रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो अगर निफ्टी इधर आ रहा है तो बैंक निफ्टी कहाँ तक आएगा रिट्रेसमेंट में, इसे भी आप समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी का रिट्रेसमेंट अब यहाँ तक आप ज़ूम करिए 37,500-400 के आसपास यहाँ पर आएगा, तभी रिवर्सल अच्छा होगा, ओके। तो हम लोग निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। देखिए निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक लग रहा है मुझे, ओके, निफ्टी ज़्यादा वीक लग रहा है, इसका आप ध्यान रखिए इस पॉइंट के बिलो और इस पॉइंट के रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है तो आपको ट्रेड दे सकता है, ठीक है। इसे यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन होना चाहिए, इस भाव के बीच में ओपन होना चाहिए, मतलब इसका ओपनिंग 17,930 से लेके इस लो तक 17,880 के बीच में, अगर इस बीच में ही ओपन होता है फिर ब्रेक डाउन देता है, इमीडिएट शॉर्ट कर सकते हैं, आपके पास बहुत जगह है लोअर साइड में ट्रेड करने का। तो डाउन साइड में इसकी गिरावट 17,800 और 17,780 के आसपास तक का मिल जाएगा, ये ट्रेड ज़्यादा अच्छा होगा। आपको बहुत बड़ा एसएल रखना नहीं पड़ेगा, ओपनिंग हाई का एसएल रखना पड़ेगा या फिर इस पॉइंट का एसएल रख के शॉर्ट का पोजिशन बनाएंगे, ट्रेड आपका ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अगर फ्रेंड ओपन होकर ऊपर चले जाता है, ठीक है, तो मार्केट इधर जाएगा इस भाव के आसपास, ठीक है। अगर यहाँ पर ओपन होके ऊपर जाता है तो देखिए ये भी मतलब यहाँ पर आप देखें तो डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, हम एज्यूम करते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न का मूवमेंट यहाँ तक आना चाहिए था, बट मूवमेंट आया नहीं, ओके। तो ट्रेड कैसे कर सकते हैं, अगर आप इसमें बाइंग करना चाहें तो बहुत अच्छा बाइंग नहीं होगा, लेकिन अगर किसी को ट्रेड करना है तो लॉजिक आपको समझ लेना चाहिए कि प्राइस को ओपन होके अपर साइड में ब्रेकआउट करना चाहिए 17,960 के ऊपर। 17,960 के ऊपर बहुत क्लियर ट्रेंड नहीं मिलेगा, लेकिन मूवमेंट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। ये भाव क्या हो जाएगा 18,050 के आसपास, ठीक है।
तो अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होके पहले ऊपर जाता है तो एक रिस्क ले सकते हैं, लेकिन छोटे क्वांटिटी में रिस्क लीजिए, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिलेगा। यहाँ भी जाके थोड़ा रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ भी जाके थोड़ा रेजिस्टेंस लेगा। अगर अवॉइड भी करते हैं तो कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात होगी। अगर मार्केट यहाँ पर जाके आपको शॉर्ट देता है तो इसे आप जरूर च्वाइस करिएगा। ये भाव 18,050-18,080 के आसपास का हो सकता है, तो इसे आप जरूर नजर रखिएगा। तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी में। यहाँ से अगर शॉर्ट मिलता है तो मॉर्निंग में ही गिरावट आएगा, वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। उसका ओपनिंग यहाँ पर होना चाहिए, या पहले प्राइस को ऊपर जाने दीजिए। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है मजबूत है, तो एक बार ऊपर जा सकता है, ऊपर से शॉर्ट होगा और ट्रेड आपका ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं स्टॉक किसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहला स्टॉक है ऑरो फार्मा। लोअर लेवल से बहुत ही अच्छे जगह से रिवर्स कर रहा है, पहले भी इसी भाव के आसपास से रिवर्सल आया था। इसमें सेम भाव के आसपास हैमर कैंडल बना है, तो ये कैंडल अपर साइड में मूवमेंट कर सकता है। कल एक अच्छा ट्रेड हो सकता है इसमें अगर ब्रेकआउट आता है। तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न बनाया हुआ है, अगर ये स्टॉक आपको इसी भाव के आसपास मिलता है तो हमें बाइंग करना चाहिए 673 के आसपास। ठीक है, ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाएगा अवॉइड करेंगे, ज़्यादा गैप डाउन ओपन होगा अवॉइड करेंगे, ब्रेकआउट आता है बाई करके जा सकते हैं। हमारा प्राइस यहाँ तक का होना चाहिए, मतलब 684 तक का हमारा टारगेट हो सकता है। तो इसके ऊपर बाइंग करें तो आप एसएल रखें लोअर साइड का 668 का, तो 5 रुपये के एसएल के सामने आपको 10 रुपये का टारगेट देखने को मिल सकता है। और जब कैश में ब्रेकआउट आए तो आप ऑप्शन में ट्रेड करके जा सकते हैं, ऑप्शन भी बहुत अच्छे जगह में है, 2 रुपये का एसएल रखना पड़ेगा। इसे बाई करना चाहिए इसी भाव के आसपास, 14 रुपये से 15 रुपये के 15 रुपये के बीच में बाई करना है, 14 रुपये से 14 से 15 रुपये के बीच में बाई करना है। आपको 12 रुपये का एसएल रखना चाहिए और टारगेट आपका यहाँ होगा 20 से लेके 21 रुपये का। तो ये ट्रेड आपका अच्छा हो सकता है, नज़र रखिए जिन लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। एक पॉइंट और, क्योंकि एक्सपायरी आने वाला है, ठीक है, मंथली एक्सपायरी, तो फिजिकल सेटलमेंट मांगेगा। आपको इंट्राडे का ट्रेड बता रहा हूँ, इसलिए आप इंट्राडे में लेके जाइएगा। ठीक है, मतलब इंट्राडे में प्रॉफिट मिले लॉस मिले क्लोज करके जाना है, पोजिशनल नहीं है, राइट। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों यह कैडिला। दोनों ही फार्मा स्टॉक अच्छे जगह से रिवर्स कर रहा है, मुझे लगा एक मूवमेंट आपको यहाँ तक मिल सकता है इस भाव के आसपास तक का। अच्छा ट्रेड है, 435 436 के आसपास तक का मूवमेंट आ सकता है। आज मैंने इसे ट्रेड दिया था अपने लड़कों को, यहाँ से ट्रेड दिया था 420 से। तो मैं दिन में एज्यूम कर रहा था कि इसका मूवमेंट इधर आना चाहिए था, बट कम आया, 25 तक ही आया। तो कल अगर हमें इसी भाव के आसपास मिलता है जहाँ क्लोज किया है 424 के आसपास से मिलता है तो बाइंग करेंगे, 420 कैसे रखेंगे, टारगेट हम लोग रखेंगे 430, फिर 433 35 तक का रख सकते हैं। ठीक है, ये टारगेट आपको कल दिखा सकता है कैडिला। अगर ये आपको फ्लैट मिलता है तो अच्छी बात है, गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों TCS। बड़े मूवमेंट के बाद, अच्छे रिजल्ट के बाद अभी लोअर साइड मूवमेंट करने की तैयारी कर रहा है। 2 दिन से कंटिन्यू फॉल हो रहा है और अभी गिरावट इससे कंटिन्यू हो सकता है, एटलीस्ट 38-40 की तरफ इसे गिरावट आना चाहिए। आज ये लोअर साइड में बॉटम इनसाइड होके क्लोज भी किया है, तो जैसे ब्रेक डाउन आएगा शॉर्ट का ट्रेड लेके जा सकते हैं फ्रेंड्स। आज के लो के नीचे, मतलब इसे सेल करेंगे हम लोग 39.10 के बिलो, 39.10 के बिलो सेल करेंगे, इस स्विंग हाई का एसएल रखेंगे 39.25 का एसएल, 15 पॉइंट का एसएल, और आपका टारगेट यहां से 30 से 40 पॉइंट का होना चाहिए। ये ट्रेड बहुत अच्छा हो सकता है, नज़र रखिए लोअर साइड में इधर का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, मतलब 38.70 38.60 की तरफ भाव आते हुए नज़र आ सकता है इंट्राडे में। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों HDFC MC। ये स्टॉक को भी नज़र रखिए, कंटिन्यू फॉल हो रहा है और काफ़ी वीक हो गया है स्टॉक, तो नज़र रखिए कल के दिन पे इसे भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। इसकी गिरावट इस बॉटम तक होना चाहिए, 20-80 के आसपास आ सकता है। अगर ये कल ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये स्टॉक मॉर्निंग में ही ज़्यादा गिरता है। अगर ये मॉर्निंग में फॉल होता है तो बड़ा ट्रेड आपको देखे जा सकता है लोअर साइड में। नज़र रखिए इसी स्विंग हाई का एसएल रखेंगे, मतलब हम लोग 24 का एसएल रखेंगे और 2400 का एसएल, आज के लो के नीचे सेल 23.88-23.87 के बिलो सेल करेंगे, राइट। और हम लोग टारगेट रखेंगे लोअर साइड में 23.70 से 60 के आसपास रख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा मॉर्निंग का एक कैंडल ही बड़ी स्पीड में गिरता है, ओके। तो 10-12 रुपये के स्टॉप लॉस के सामने आपको बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, लगभग 25 से 30 रुपये 35 रुपये का टारगेट आपको देके जा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में ही तक, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।